लिए एक ही ऐसा अवार्ड है जहाँ पे आप फिल्म, टीवी, म्यूजिक, स्पोर्ट्स सभी को एक तो ऑनर करते हैं. ऑडियंस खुद नॉमिनेशन चुनता है, ऑडियंस खुद अवार्डी को भी चुनता है. सो आई गेस ऐसी कोई जूरी नहीं होती, ऑडियंस इज द जूरी. सो डेफिनेटली इट्स अ वेरी क्लियर ट्रांसपेरेंट काइंड ऑफ एन अवार्ड एंड प्रॉब्ली वन ऑफ द बिगेस्ट जहाँ पे इतने सारे फील्ड्स में से इतने सारे लोगों को ऑनर किया जाता है. नमस्ते, तारक मेहता का उल्टा चश्मा के पूरे परिवार की तरफ से बिग स्टार एंटरटेनमेंट को बहुत सारी शुभकामनाएं. ये सेकेंड ईयर है उनका 2011 का, तो इस बार लास्ट ईयर से भी बहुत ही अच्छा ये पूरा इवेंट रहा है, ऐसे ही शुभकामनाएं. और हमारे शो को अवार्ड दिया गया था और बहुत ही खुशी हुई थी. थैंक यू. भावुक कहा वो जो बिल्कुल नहीं हूँ श्रेय. यहाँ जो शेरिल है हमारे बिग एफएम की मेन पीआर, वो डर जाती है जब मैं किसी मीडिया पर्सन से कोई भी इवेंट में बात करती हूँ, क्योंकि उसे लगता है कि ये छड़ी लगा के सबको मार देगी. ऐसा कुछ है नहीं, मीडिया वाले मेरे दोस्त हैं, मेरी बिरादरी है, तो उनकी मैं बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ. उनके बगैर कुछ होता नहीं है किसी का, वो भी बता दें हम सबको आज. Just adding to what Nitin Vaidya said and to what Rabi Iyer said, I think this whole concept of having big entertainment awards is absolutely awesome, because one, it starts the season. Two, it is not making any bones of saying that, you know, we are going to get necessarily artistic. We are saying art is entertainment and entertainment is art. So we are going to promote this kind of entertainment. मॉडर्न गरबा है ये. कम ऑन श्रेयस, आप क्यों भागीदारी नहीं कर रहे हैं? तेरे बदन को भी जो पे नशे,